हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज के ब्लॉग इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि थोड़े से दिन रह गए हैं बकरीद आने में, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग कुर्बानियाँ करेंगे। और बहुत इंतज़ार होता है छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, ईद के आने की एक अपनी ही खुशी होती है। ये ब्लॉग जब आप लोग मेरा देखेंगे तो जुमेरात का दिन होगा, थर्सडे वाले दिन आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग मिलेगा, और मंडे को जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुर्बानी है, कुर्बानी करेंगे हम इंशाल्लाह। इस साल भी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, और लेकिन कुर्बानी तो हम अल्लाह की राह में एक जानवर की करते ही हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आज इस साल हम लोग अपने अंदर की जो एक अना है, अपने अंदर की जो एक ज़िद है, हसद है, तकब्बुर है, ये जो जितनी चीज़ें होती हैं ना मिला जुला के, ये जो एक खिचड़ी बनी हुई होती है इन तमाम चीज़ों की, इन सब को गिराए खोल दें और इन सब चीज़ों की कुर्बानी कर दें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ये हम सिर्फ सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, इन चीज़ों की कुर्बानी नहीं करते। अगर इन चीज़ों की कुर्बानी हो जाए तो कितनी कोई अच्छी बात हो जाए ना। अभी जो है सीन ऐसा है कि सुबह का टाइम है, मैं जो हूँ पूरी घर की सफाई वगैरह करके फारिग हो चुकी हूँ, और स्पेशल वाली तैयारी की है, जगह शगह तैयार की है अपने बकरे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी का जो है जानवर आने वाला है, बकरा आने वाला है, बच्चे जो है कुर्बानी के लिए बकरा जो है ख़रीदने गए हुए हैं, तो बस अभी वो लेकर आएंगे, उसके लिए जो है जगह की तैयारी की है। अच्छा, यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से गैराज बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम बकरे को नहीं बांध सकते, क्योंकि फुल टाइम इतनी ज़्यादा कोई फुल ये गैराज जो है ना पूरा तकरीबन शाम 5-6 बजे तक ये भरा हुआ होता है धूप से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, जिस तरह हमें जो है हम इंसानों से धूप जो है बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है, सर जानवर भी यार वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कुर्बानी के जानवरों का तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए जो है अभी हम उसकी मैंने कहाँ सेटिंग की है, कहाँ रखूँगी, वो आगे जाके आप लोग देखेंगे। तो चलें अभी मैं अंदर चलती हूँ, और आप लोगों को अभी जो है हमारा बकरू जो है आ जाएगा, फिर उसके साथ आप लोगों की होगी मुलाकात कि अभी हमने कैसा लिया है, क्या है। देखो रो रहा है, देखा रो रहा है ना, वो ऐसे रोता है बकरा, बकरे ऐसे रोते हैं, वो देखो देखो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे, लड़ाई कर रहे, तुम्बा वर्सेस कौन सा पता, ये ऐसे रोते हैं, ये अपने दोस्तों से जुदा हो गया होगा ना, वो इसलिए ऐसे रो रहा है। हाँ ना, देखिए इनके बाल बकरू को सन सिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी शैम्पू से नहला रहे हैं, जिससे लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर हो जाएंगे भाई इसके, और इसके ऊपर हाथ डाल दे, चलो आराम से उसको दर्द होगा, नैया कर रहा है अभी हमारा बकरू जो है, और नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और ये इसलिए नहरा रहा है, आप देख रहे हो सारा जितना भी गंद है ना वो नीचे की तरफ इसका जा रहा है, ऊपर से वाइट वाइट हो रहा है और नीचे जो है वो सारा इसका गंद हो रहा है। तो बस अभी जो है मुस्तफा साहब खूब इसके कर रहे हैं, अभी मैं इतना कोई गंद मच गया यार, ये देखो, और ये हमारे जैक, पिंकी, टीना, ये लोग भी जो है ना फिर रही हैं। अच्छा, इनकी भी ना अभी दोस्ती हो गई है हमारे जो है बकरू से, हमारी हमारे बकरू से जो है ना दोस्ती हो रही है, मैं तो इसको बकरू कह रही हूँ, बच्चे इसको कह रहे हैं शिप्पू, तो वैसे ये शिप्पू हो नहीं सकता क्योंकि शिप्पू तो नहीं जाना भाई, कहीं नहीं जाना तुमने, हाँ तो बकरू शिप्पू ये नहीं हो सकता क्योंकि शिप्पू तो कहेंगे भाई हम दुम्बे को, दुम्बे को पकड़ो ना, चलो जल्दी 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 हरिया 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 हरिया, चलो अच्छा आराम से मुझे ना मार दिया। सिल्क से नहला के अभी हमने तैयार कर दिया अपने बकरू को, अभी ये थक गया नहा नहा के, अभी जो है ये जरा कुछ पेट पूजा कर रहा है, और अभी जो है हमने इसको धूप में तो खड़ा हुआ है, वैसे ही ड्राई हो जाएगा, हेयर ड्राई से बस हो गया, बस 2 मिनट की बात है, इतना सुकून से खड़ा हुआ ना, ये अपने आप को ड्राई करवा रहा है, ये देखें भाई पूरा तैयार श्यार हम अपने बकरू को करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं भाई, शैम्पू लगाया सारा, ये चलो भाई अभी हमारा बकरू जो है तैयार हो गया है,
चलो ओके हाँ जी बंद कर दो, जरा पकड़ो, चलो बहू खुद ही धूप में जा रहा है, वो सूख जाएगा। यहाँ पे जनाब फाइनली बकरा हमारा आ चुका है, आप लोगों ने पिछले क्लिप्स में देख ही लिया, और आते के साथ हमने उसकी नया नया भी करा दी थी और सनसिल्क से, और उसके बाद उसके बालों को हेयर ड्रायर से सही उसको ड्राई भी किया और बहुत इंजॉय उसने किया, उतने मज़े से वो नया नया कर रहा था। और यहाँ पर मैं लिखा रही थी कि मेरा बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, उसकी जो बालकनी है पीछे वाली वो भी बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो यहाँ पे धूप भी सुबह के टाइम हल्की सी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, और ये जगह ठंडी रहती है क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, हवा आती रहती है। तो यहीं पर हमारे ये जो जैक है, टीना है और बीना है, हमारे मुर्गी मुर्गियाँ जिनके ये नाम है, वो भी यहीं पर फिर रहे होते हैं। तो हमने अपने शिप्पू को, उफ बकरू, उसको भी यहीं पे छोड़ दिया था। मैं आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं, इस बकरे के आने से पहले ही हमने इसका नाम डिसाइड कर लिया था। बच्चों की ख्वाहिश थी कि इसका नाम हम शिप्पू रखें, लेकिन मैं बच्चों को ये कह रही थी कि नहीं, हम इसका नाम बकरू रखेंगे क्योंकि ये बकरा है, तो बकरे से मिलता जुलता बकरू, और शिप्पू तो हम उसको कहेंगे जो शिप होती है, मतलब कि दुम्बा होता है, लेकिन बकरे इसको शिप्पू कह रहे हैं, मैं इसको बकरू कह रही हूँ, तो ये बकरू प्लस शिप्पू है। तो बस जनाब ये था आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग बकरे के साथ, कैसा लगा ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा, बाहर भी जाएंगे, सैर वैर भी कराएंगे, खूब 4-5 दिन एंजॉय करेंगे बकरे के साथ, और आप लोगों को टाइम टू टाइम व्लॉग मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा, अल्लाह हाफिज़।